देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने देहरादून स्थित रायपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। एसएसपी देहरादून ने मतदान प्रक्रिया के बाद सभी 10 विधानसभाओं की ईवीएम मशीनों के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूमों का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों के अनुरूप सुरक्षा के सारे प्रबंध सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा एवं परिसर में होने वाले प्रत्येक गतिविधियों पर नजदीकी नजर रखने हेतु बनाए गए सीसीटीवी वेबकास्टिंग एंड मॉनिटरिंग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा के दृष्टिगत सभी संभावित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की पहुंच सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मतदान से पहले पोलिंग पार्टियों के जाने व वापस आने के दौरान एक सुदृढ़ यातायात प्लान तैयार करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिससे पोलिंग पार्टियों के मूवमेंट के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित न हो और पार्टी का सुचारू रूप से आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। स्ट्रांग रूम बहुत महत्वपूर्ण होता है, चूंकि यहीं से ईवीएम हमारे जो रखे जाते हैं वो पोलिंग पार्टियां वहीं से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, साथ ही साथ चुनाव के उपरांत ईवीएम यहाँ पर जमा रहेंगे तो मतगणना तक यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि इसकी स्पष्ट इसकी गाइडलाइंस है जो उसमें सुरक्षा के मानक हैं उसको देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट जो नोडल है उनके साथ पूरा भ्रमण किया गया और स्ट्रांग रूम का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया, पुलिस के एंगल से भी किया गया, कोई सिक्योरिटी लैप्स तो नहीं है, तो पाया गया सभी जगह सीसीटीवी वर्किंग थे और साथ ही साथ जो उसके मानक है सिक्योरिटी के वो सभी पूर्ण पाए गए और वहाँ के जो हमारे कर्मचारी लगे हैं ड्यूटी रत उनको भी वहाँ पर ब्रीफ किया गया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है ईवीएम की सुरक्षा, तो उसके संबंध में सभी वहाँ जो नियुक्त कर्मचारी थे उनको ब्रीफ भी किया गया और सभी समस्त एरिया का वहाँ पर भ्रमण किया गया।